हां जी नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 36 रहेगा। तो चलिए जी आज की कहानी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। आपके सामने तीन कथन दिए गए हैं। तो पहले कथन की बात हम कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। क्या ये कथन ठीक है? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। और जब हम बात करते हैं दूसरे कथन की, दिल्ली के सुल्तानों की इकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी, क्या ये बात ठीक है? आप कहेंगे जी नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों ने जो इकता प्रणाली शुरू की थी ना, वो हमारे भारत की देशी संस्था नहीं थी, हमारे भारत की नहीं थी। तो इकता प्रणाली को सबसे पहले अगर किसी ने शुरू किया तो किसने शुरू किया था? तो नाम आता है मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले किसे इक्तेदार बनाया था? तो आपको पता है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को फांसी का इक्तेदार बनाया था मोहम्मद गोरी ने। तो यानी आप ये कह सकते हैं सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने इसकी शुरुआत की। लेकिन जब पूछ लिया जाए कि इस इकता प्रणाली का एक व्यवस्था बनाए रखते हुए, एक आप कह सकते हैं ना कि जैसे सुव्यवस्थित रूप में, तो सुव्यवस्थित रूप में इकतादारी प्रणाली को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश। और ये इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा सुल्तान था, जो कि 1211 से लेकर 1236 तक रहा था, है ना। इस इल्तुतमिश को हम क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही है वो इल्तुतमिश जिसने इस इकता प्रणाली को सुव्यवस्थित ढंग से चलाया। लेकिन शुरुआत तो मोहम्मद गोरी ने ही कर दी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात कर रहे होते हैं तीसरे कथन की, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में आया, क्या ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है? आप कहेंगे जी नहीं, ये तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में नहीं आया था। तो फिर किसके समय में आया था? तो आप कहेंगे ये तो मुगल काल के समय में आया था, मुगल काल। और मुगल साम्राज्य की नींव कब पड़ी थी? 1526 में पड़ी थी। किसने रखी थी इसकी नींव? बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतते हुए लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और इब्राहिम लोदी को मार दिया, और फिर यहां पर क्या है, मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। इसी मुगल साम्राज्य के समय में ही मीर बख्शी का पद हमें देखने को मिला। जैसे इस मीर बख्शी की बात करते हैं तो अकबर के समय में ये हमें पद देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जो पॉइंट आपको कौन सा टिक करना है, केवल एक जिन्होंने लिखा होगा ना, यानी कि ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। केवल पहला कथन ठीक है, बाकी के दोनों कथन गलत लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था, और कब की बात है? ये बात है 2019 की। तो 2019 यूपीएससी के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में तो ऐसा क्या हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें आपको बता देना है। ये आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2012 में ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? 1929 के अधिवेशन की बात हो रही है। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ? तो आपको पता है ना, लाहौर में हुआ था। और इस लाहौर के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो किसका नाम आता है? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है।
तो इनकी अध्यक्षता में इस लाहौर अधिवेशन का जो सत्र था वो संपन्न हुआ। और इसमें खास बात क्या हुई थी, तो कांग्रेस ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग का जो संकल्प है वो लिया था, ठीक है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। तो जैसे हम इस पॉइंट के बारे में अगर बात कर रहे होते हैं, तो जैसे कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, लाहौर अधिवेशन में और क्या हुआ था, तो इन्होंने कहा कि हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं, पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब 26 जनवरी आएगी ना, आने वाली 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। जब 26 जनवरी आई तो 1930 आ चुका था, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, है ना, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी को आधार मानते हुए नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया, नेहरू समिति की रिपोर्ट को इसमें निरस्त घोषित कर दिया गया। इस अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज का अर्थ क्या लिया गया, पूर्ण स्वतंत्रता से लिया। यानी कि स्वराज का मतलब क्या है, पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है, हमारी पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। और ये एक कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में लक्षित किया गया था। और फिर रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया, ठीक है ना। तो जैसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, 26 जनवरी 1930। तो जब हम बात करते हैं हमारे संविधान निर्माताओं की, उन्होंने अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित कर लिया था, अपना लिया था, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि आने वाली 26 जनवरी को हम हमारा संविधान लागू करेंगे, क्योंकि इस दिन को सम्मान देना था। 26 जनवरी के दिन हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसी दिन को सम्मान देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को लागू करने का दिन 26 जनवरी ही रखा। तो जब 26 जनवरी आई तो 1950 आ चुका था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारत है वो गणतंत्र भारत बना, हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। और संविधान लागू होने के बाद, यानी कि भारत के गणतंत्र बन जाने के बाद, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको हम बिहार के लाल के नाम से भी जानते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है वो बताना है आपको, जल्दी से आप बता देंगे। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया था, 2019 की बात है। तो जो कथन सही नहीं है उनके बारे में आपको बताना है। सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, तो इनको हम तानसेन के नाम से जानते हैं ना, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम क्या था, ओरिजिनल नाम इनका था राम तनु पांडे, राम तनु पांडे, ठीक है ना। और वैसे कहा जाता है कि इनको तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, और या फिर कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा कि मानसिंह तोमर के बेटे राजा विक्रमाजीत ने इनको वो उपाधि दी थी, ठीक है ना। तो तानसेन अकबर के दरबार में रहा करते थे, तो अकबर ने इनको ये उपाधि दी, ऐसा भी आपको विवरण देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं इस पॉइंट के बारे में, उपाधि तानसेन नहीं दी थी, तो इन्होंने कौन सी उपाधि दी थी, सम्राट अकबर ने मियाँ की उपाधि दी थी, मियाँ, ठीक है। तो तानसेन की उपाधि किसने दी, तो मैंने आपको दो राजाओं के नाम बताए हैं, मानसिंह तोमर, मानसिंह तोमर, और कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा मानसिंह तोमर का बेटा हुआ करता था, तो बाद में राजा बना, राजा विक्रमाजीत। कहा जाता है कि इन्होंने उपाधि दी थी इनको तानसेन की। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, सम्राट अकबर ने तो बिल्कुल भी नहीं दी थी, है ना। बाकी पॉइंट देख लीजिए, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की,
आप कहेंगे जी हां बिल्कुल ठीक बात है, द्रुपदों की रचना की थी और इनके साथ साथ अनेकों रागों का भी क्या है इन्होंने रचना की, ठीक है, अनेकों राग इन्होंने बनाए। जैसे हम बात कर रहे होते हैं कौन कौन से, तो एक आपने नाम सुना होगा ना मियां मल्हार, मियां मल्हार, और एक नाम आता है मियां की सारंग, मियां की सारंग, ठीक है, और जब बात करते हैं मियां की तोड़ी, ठीक है, और एक नाम आता है दरबारी कान्नड़ा। ये इनकी रचनाएं जो हैं वो मैंने आपको यहां पर बताई हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की भी रचना की, यानी कि जहां पर ये रहा करते थे, जहां पर इनको संरक्षण मिला उनके द्वारा भी। कई बार आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, तो बाकी जो 3 पॉइंट है ना ये तो ठीक लिखे हुए हैं, तो हमें तो वो टिक करना था जो गलत है, और गलत कौन सा था, तो पहला ऑप्शन ही क्या है आपको टिक कर देना है, क्योंकि ये कथन सही नहीं है, सम्राट अकबर ने इनको मियां की उपाधि दी थी, तानसेन की नहीं, ठीक है, तो आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी। 2019 में ये पूछा गया था यूपीएससी में। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से कौन सा ठीक रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रिक्त स्थान ईस्वी में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो जल्दी से आप इसमें से बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई थी जिसे हम बोलते हैं 1965 की लड़ाई। उस 1965 की लड़ाई के बाद में एक समझौता हुआ था, ठीक है, 10 जनवरी 1966 को, और उस समय यहां पर आप फोटो देख सकते हैं, ये देखिए ये फोटो आप दिखाई दे रही होगी आपको, तो ये है हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, इनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है, ठीक है, निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में अंतर किस तरह से रखा जाए, ये चीजें हमें इनसे सीखने को मिलती हैं। तो जैसे यहां पर ये फोटो दिखाई दे रही है, ये कौन है, तो ये है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या नाम है, अयूब खान। तो भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में यह समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। जब हम बात करते हैं ये समझौता कहां पे हुआ, तो ताशकंद में हुआ। ताशकंद एक जगह का नाम है, उस समय ये ताशकंद यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में आपको पता है यूएसएसआर के जब टुकड़े हो गए तब एक देश बना था उज्बेकिस्तान, है ना, तो उस उज्बेकिस्तान की वर्तमान में ये राजधानी है ताशकंद, और ये उज्बेकिस्तान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी है। इस उज्बेकिस्तान ने 2 मार्च 1992 को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की थी। और जब हम बात कर रहे होते हैं, इधर आप ध्वज देख पा रहे होंगे, ये उज्बेकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है ना, तो वहां पर जो ये एक समझौता हुआ भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच में, वो ताशकंद में एक दूसरे से मिले, भारत और पाकिस्तान के उस समय के जो संबंध चल रहे थे, यानी कि लड़ाई का माहौल था, उस लड़ाई के माहौल पर उन्होंने चर्चा की और किस प्रकार से शांतिपूर्ण संबंधों को बहाल किया जा सकता है उन पर भी उनकी बातचीत हुई, और पाकिस्तान के 600 मिलियन लोगों के कल्याण के लिए इन उद्देश्यों की प्राप्ति को ये अत्यंत महत्वपूर्ण मानते भी हैं, ठीक है ना। तो भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए थे कि दोनों देशों के सभी सशस्त्र कर्मियों को 25 फरवरी 1966 से पहले, ठीक है, 5 अगस्त 1965 से पहले की स्थिति में वापिस ले लिया जाएगा। यानी कि जिस प्रकार की हमारी कंडीशन 5 अगस्त 1965 को थी, ठीक उसी कंडीशन पर सभी जो सेना के लोग हैं वो वहां पर चले जाएंगे, सभी सैनिक 5 अगस्त 1965 वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ये निर्णय कब लिया गया था, उन्होंने कहा कि ये सब काम हो जाना चाहिए 25 फरवरी 1966 से पहले पहले। हालांकि
इस समझौते के 24 घंटे के भीतर ही क्या हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु का पता आज तक नहीं लग पाया कि क्या कारण रहा। कयास लगाए जाते हैं कि इनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई होगी, ज्यादातर ये कहा जाता है कि इनकी हत्या की गई थी, ठीक है ना। तो इन्होंने इस समझौते के तहत कहा कि दोनों पक्ष जो हैं वो अब इस संघर्ष को विराम दे देंगे और 5 अगस्त 1965 से पहले की जो स्थिति बनी हुई थी उसी स्थिति में वापिस चले जाएंगे 25 फरवरी 1966 से पहले पहले, ठीक है। तो एक महीने का समय दिया गया था। इस प्रकार ये पॉइंट जो है आपको इनसे संबंधित ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। चलो जी, अब जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने दो कथन दिए गए हैं, इन कथनों पे आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक रहेगा। पहला कथन देख लीजिए, स्वतांत्रिक और सम्मितीय बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। हालांकि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जैन धर्म से संबंधित है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो पहला पॉइंट तो गलत ही हो गया। तो जब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है बल्कि अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। जब हम इस सर्वास्तिवाद की बात कर रहे होते हैं, सर्वास्तिवाद, ये सर्वास्तिवाद किससे संबंधित है, ये भी बुद्धिज्म से संबंधित है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। इसमें एक शब्द यूज किया गया है सर्व, सर्व यानी कि अगर देखा जाए तो यहां पर इसका मतलब लिया गया है भूतकाल से, ठीक है, वर्तमान काल से और भविष्य काल से, यानी कि भूत वर्तमान भविष्य इन तीनों कालों से इसका ये संदर्भ लिया गया है सर्व का मतलब, ठीक है। और इसकी मान्यता है कि दृग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है बल्कि सदैव अस्तित्वमान है, चाहे वो भूतकाल में हो, वर्तमान काल में या भविष्य काल में, सदैव अस्तित्व में रहते हैं ये। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा केवल दो, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि केवल दूसरा जो पॉइंट है वही ठीक है, पहला तो गलत है। स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन धर्म के संप्रदाय नहीं है बल्कि वे भी बुद्धिज्म संप्रदाय के ही क्या है, एक भाग है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। चीनी यात्री फाहयान किस राजा के शासनकाल के दौरान भारत में आया था? तो आपके सामने यहां पर कुछ चार पॉइंट बताए गए हैं, आप बताने का प्रयास करेंगे। चीनी यात्री फाहयान कब आया था, जिन्होंने लिखा होगा ना चंद्रगुप्त द्वितीय, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से माने जाते हैं और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहयान, और फाहयान भारत में आने वाला पहला रिकॉर्डेड चीनी यात्री था। और जब बात करते हैं ये किस समय के आसपास में हमें यहां पर देखने को मिलता है, तो फाहयान का जो एशियाई क्षेत्रों का दौरा रहा वो 399 से लेकर 412 ईस्वी के आसपास रहा, यानी कि इस टाइम पीरियड में फाहयान ने बहुत सारे एशियाई देशों की यात्रा की थी। कहा जाता है कि फाहयान ने पेशावर, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु और सारनाथ इत्यादि महत्वपूर्ण धार्मिक बौद्ध स्थलों का दौरा किया था और लगभग 10 सालों तक ये फाहयान भारत में रहा और किसी भी देश में बिताया गया ये लंबा समय था फाहयान का। और फाहयान का जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी कुछ स्थानों के नाम लिखे हैं बुद्धिज्म से संबंधित, तो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जैसे हम बुद्धिज्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात कर रहे होते हैं ना त्रिपिटक, त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं, तीन पिटक है ना, तो एक जैसे हम बात करते हैं विनय पिटक के बारे में, विनय पिटक,
ठीक है, और एक आता है अभिदम पिटक, अभिदम पिटक, और एक होता है सुत पिटक। तो ये हैं बुद्धिज्म के तीन मुख्य ग्रंथ यानी कि त्रिपिटक। इन तीन पिटकों में से विनय पिटक को हासिल करना उद्देश्य था फाहियान का। तो ये त्रिपिटक में से विनय पिटक को ढूंढता ढूंढता भारत में आया, और ये फाहियान पहला चीनी यात्री था जिसने अपनी यात्रा वृतांत को एक व्यवस्थित क्रम में लिखा, यानी कि पुस्तक लिखी एक टाइप से आप ऐसा कह सकते हैं। तो ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था ये फाहयान। अब यहां पर अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो यहां चलो देख लेते हैं एक क्रम के अनुसार से। पहला चीनी यात्री जो माना जाता है वो था फाहयान, उसके बाद में जो प्रसिद्ध यात्री आया था वो है हवेन स्वांग। हवेन स्वांग को चीनी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और कुछ समय के बाद में आया था इत सिंह नाम का एक चीनी यात्री, ठीक है ना। तो ये क्रम है चीनी यात्रियों का। फाहियान किसके समय में आया, तो आपको मैंने बताया गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो जैसे हवेन स्वांग की बात करते हैं, हवेन स्वांग किसके समय में आया था, हवेन स्वांग हर्षवर्धन के समय में आया। और ये हर्षवर्धन कौन से वंश के थे, तो आप यहां पर लिख देंगे इस वंश का नाम वर्धन वंश भी है और इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश भी है। पुष्यभूति वंश इस वंश का नाम क्यों है, क्योंकि इस वंश की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम पुष्यभूति था। तो इसी वंश में जो सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे हर्षवर्धन, उन्हीं के समय में आया था ये फाहयान, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो जब हम बात करते हैं इस हवेन स्वांग के बारे में, हवेन स्वांग ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सी यू की, या फिर आप कह सकते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। उसमें हवेन स्वांग ने अपनी यात्रा के जो एक अनुभव है उनको वर्णन किया है, ठीक है ना। जब हम बात कर रहे होते हैं एक और चीनी यात्री के बारे में जिसे हम इत सिंह के नाम से जानते हैं, और ये जो इत सिंह है इसे इच चीड़ भी कहा जाता है, इच चीड़। ये चीनी यात्रियों में सबसे बाद में आया हुआ माना जाता है, ठीक है ना। और जैसे हम बात कर रहे होते हैं इत सिंह का जन्म लगभग 635 के आसपास में हुआ था, सन यंग में ताई तसुंग के शासनकाल के दौरान की बात है जब इसका जन्म हुआ, ठीक है। और लगभग 671 के आसपास बताया जाता है कि यह कैंटन से समुद्री रास्ते से भारत के लिए रवाना हुआ था, और ये भी बौद्ध धर्म के संबंध में भारत में पहुंचा। और हमें पहले गुप्त शासक के बारे में भी जानकारी दी इस इत सिंह ने। तो ऐसा आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, फाहियान सबसे पहले आया, हवेन स्वांग जिसे चीनी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वो राजा हर्षवर्धन के समय में आया, इत सिंह जो सबसे बाद में आया ऐसा माना जाता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, दिल्ली सल्तनत कालीन दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी, दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की। अगर हम बात कर रहे होते हैं दीवान ए अर्ज है क्या, तो आप ये कह सकते हैं कि दीवान ए अर्ज एक सेना विभाग था। तो सेना विभाग से संबंधित जो हमें देखने को मिलता है दीवान ए अर्ज, उसकी स्थापना बहाउद्दीन बलबन ने की थी। जब हम बहाउद्दीन बलबन के बारे में जानते हैं तो ये गुलाम वंश का एक बड़ा ही चतुर और बड़ा ही राजनीतिज्ञ सुल्तान हुआ, और लगभग 1265 से लेकर 1287 तक ये गद्दी पर बैठा। यही है वो बलबन जिसने भारत में फारसी त्योहार नौरूज का प्रचलन शुरू करवाया। फारसी का मतलब क्या होता है, ईरानी, क्योंकि आपको पता है ना ईरान को 1935 से पहले फारस के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में इसे हम किस नाम से जानते हैं, ईरान के नाम से जानते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं बलबन ने ईरानी त्योहार नौरूज का प्रचलन भारत में शुरू करवाया, ठीक है। और यही है वो बलबन जिसने भारत में सजदा प्रणाली शुरू करवाई, सजदा प्रणाली। और जैसे हम बात कर रहे होते हैं पेबोस प्रथा का प्रचलन भारत में किसने शुरू किया, तो भी आप कहेंगे बलबन। पेबोस प्रथा का मतलब क्या होता है, पैरों को चूमने की प्रथा। और इस बलबन ने
चालीसा का क्या कर दिया था, खंडन कर दिया यानी कि विखंडन कर दिया, ठीक है ना। तो चालीसा की शुरुआत किसने की, चालीसा का गठन किसने किया था, 40 लोगों का समूह बनाया किसने, तो इल्तुतमिश का नाम आता है। और उस चालीसा को क्या है, खत्म कर दिया था बलबन ने। तो इस प्रकार से बलबन का ये टाइम पीरियड माना जाता है। बलबन ने दीवान ए अर्ज यानी कि एक सेना विभाग बनाया। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं, अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में अपने ताऊजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर गद्दी पर बैठा 1296 में, और 1296 से लेकर 1316 तक ये गद्दी पर रहा। इस अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक विभाग बनाया था जिसे हम क्या बोलते हैं, दीवान ए मुस्तकराज। दीवान ए मुस्तकराज की स्थापना किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। और ये दीवान ए मुस्तकराज क्या था, तो आप कहेंगे ये एक राजस्व विभाग था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका हो गया। अब पॉइंट थर्ड के बारे में बात कर लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक सत्ता में रहा। ये मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक का बेटा था, जिसे बचपन में जोना खां के नाम से जाना जाता था। इसके पिता ग्यासुद्दीन तुगलक ने इसे उलूग खां की उपाधि दी थी। बड़ा होकर यही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से विख्यात हुआ। और जैसे हम बात कर लेते हैं इसके पिता की, इसके पिता ने कृषि को ध्यान में रखते हुए एक नहर का निर्माण करवाया, पहली नहर का निर्माण करवाया था इसके पिता ने। लेकिन इसने क्या किया, इसने कृषि को ध्यान में रखते हुए एक नया विभाग ही बना दिया था, ठीक है ना। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं, वो कौन सा विभाग था जो इसने बनाया था, तो आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं, दीवान ए आमिर को ही, दीवान ए आमिर को ही, ये एक कृषि विभाग था, ठीक है, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। यही है वो मोहम्मद बिन तुगलक जिसे पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा जाता है, जिसके समय में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री आया था, जिसने पुस्तक लिखी थी रेहल्ला। यही है वो मोहम्मद बिन तुगलक जिसके समय में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना करते हुए विजयनगर साम्राज्य की नींव रख दी थी, ठीक है। और इसी के समय में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी, और वो हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। जब इस मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड खत्म हो गया, फिर एंट्री होती है इसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक की, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। ये फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक हमें देखने को मिला। इस फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसने बड़ी मात्रा में शहरों का निर्माण करवाया, बड़ी मात्रा में नहरों का निर्माण करवाया, बड़ी मात्रा में अलग अलग विभाग भी बनाए, ठीक है। शहरों में जैसे हम बात करते हैं हिसार, हिसार ये हरियाणा का एक जिला है, ये भी इसने बनवाया था। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट और पड़ता है फतेहाबाद, जिसे हरियाणा की गुलाबी नगरी कहा जाता है। ये शहर भी इसने बसाया था अपने बेटे के नाम पे। एक शहर है यूपी में पड़ता है जिसका नाम है जौनपुर। इस जौनपुर को इसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर बसाया। आपको बताया था ना मैंने, मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था, जोना खां। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई के बचपन के नाम को चुना इस शहर का नाम रखने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ। और भी दिल्ली एनसीआर में आपको फिरोजाबाद मिल जाएगा, वो भी इसी के द्वारा बसाया गया था। इसने बड़ी भारी मात्रा में नहरों का निर्माण करवाया और नए नए विभाग भी बनाए। एक बंदी विभाग भी बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। कहा जाता है कि लाखों की संख्या में फिरोज शाह तुगलक के यहां पर बंदी हुआ करते थे। तो उस विभाग का नाम क्या रखा था, दीवान ए बंदगान, ठीक है। और दीवान एक खैरात की शुरुआत भी की, खैरात यानी कि जैसे आप कह सकते हैं एक दान विभाग की स्थापना भी की थी। और एक चिकित्सा से संबंधित विभाग भी बनवाया, पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और ये तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था।
तो ऐसे आपको कुछ पॉइंट हैं जो वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। तो आपको ये कुछ बिंदु जो थे वो हमने आज कवर किए हैं, तो इस प्रकार से आप बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। बाकी की जो कहानी है वो हम कल देखेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।